हे नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड टॉक और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हाय मैं संजू, मेरा सीक्रेट है मैजिक पेंसिल, जो ये बनाए सच हो जाए एरोप्लेन या साइकिल। जी हाँ दोस्तों, कुछ याद आया आपको शाका लाका बुम बुम, जो कि आपने बचपन में डेफिनेटली देखा होगा। अगर आपकी एज कम है तब भी आपने डेफिनेटली देखा होगा ये सीरियल, क्योंकि इसके रिपीट टेलीकास्ट उसके बाद काफ़ी चैनल्स पर आ चुके हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शाका लाका बुम बुम आखिर क्यों बंद हो गया था, और अगर आप इसके एपिसोड देखना चाहते हो 2019 में तो आप किस प्रकार से इसके सारे एपिसोड देख सकते हो, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो ये वीडियो पूरी आखिर तक देखना। तो गाइस, ये बात बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि जो शाका लाका बुम बुम है, वो जो उसकी जो ओरिजिनल सीरीज थी वो स्टार्ट हुई थी 15 अक्टूबर 2000 को। जी हाँ दोस्तों, दूरदर्शन चैनल पर पहली इसकी सीरीज स्टार्ट हुई थी 15 अक्टूबर 2000 को, और जो इसका लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था दूरदर्शन पे वो हुआ था 6 मई 2001 को। तो टोटल ये 30 एपिसोड की सीरीज थी, जिसमें जो संजू का रोल प्ले किया था वो प्ले किया था एक्टर विशाल सोलंकी ने, जिनको आपने फैमिली नंबर वन में भी देखा होगा। और दोस्तों, दूरदर्शन पर बंद होने के 1.5-2 साल के बाद स्टार प्लस ने यही सेम सीरीज को एक नए रूप में दोबारा से स्टार्ट किया, और स्टार प्लस पे ये जो हम मेन सीरीज देखते हैं जिसमें संजू का रोल किंशुक वैद्य ने प्ले किया था, तो वो सीरीज स्टार्ट हुई थी 19 अगस्त 2002 को स्टार प्लस पे, और जो उसका आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था वो हुआ था 10 अक्टूबर 2004 को। तो ये टोटल 491 एपिसोड की सीरीज थी। तो दोस्तों, शाका लाका बुम बुम की स्टोरी रिटन एंड डायरेक्टेड की थी विजय कृष्णाचार्य, जिन्होंने हाल ही में बहुत ही हिट फिल्म दिया थग्स ऑफ हिंदुस्तान, तो उन्होंने ये सीरियल राइट किया था और डायरेक्ट भी किया था। अब दोस्तों, स्टार प्लस के बाद शाका लाका बुम बुम स्टार उत्सव डिज्नी चैनल इंडिया, डिज्नी XD और हंगामा टीवी पर भी टेलीकास्ट हो चुका है। तो अगर आपकी एज थोड़ी कम है तो आपने इन चैनल पर रिपीट टेलीकास्ट डेफिनेटली देखे होंगे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि आप शाका लाका बुम बुम के जो एपिसोड्स हैं, सारे एपिसोड्स हैं, मोस्ट ऑफ द एपिसोड्स, आपको सारे एपिसोड तो नहीं मिलेंगे लेकिन ज़्यादातर एपिसोड्स आप कहाँ पर देख सकते हैं, तो आप हॉटस्टार पर शाका लाका बुम बुम सर्च करके वहाँ पर आपको सारे एपिसोड मिल जाते हैं, इसके मोस्ट ऑफ द एपिसोड मिल जाते हैं। तो आप जाकर वहाँ पर अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज दोबारा से रिफ्रेश कर सकते हो। तो गाइस, अगर हम शाका लाका बुम बुम की एंडिंग की बात करें, तो आपने देखा होगा कि जो एंडिंग हुई थी उसकी, पहले तो संजू जो था वो जादू हाई स्कूल, जो एक मैजिकल स्कूल था, वहाँ पर पहुँच गया था, और उसके बाद जो दोस्तों सीरीज शुरू हुई थी वो हुई थी टाइम ट्रैवल वाली। मुझे आखिर याद है जो आखिरी सीरीज थी वो आई थिंक टाइम ट्रैवल वाली थी, जब संजू 2022 में पहुंच जाता है, यानी कि 2022 में पहुंच जाता है, और वहाँ पर उसको संजू ही मिलता है जो कि बड़ा हो चुका है। तो फाइनली ये दो स्टोरीज थी जो कि शाका लाका बुम बुम की सीरीज के लास्ट में हमें दिखाई गई थी। तो अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि शाका लाका बुम बुम बंद क्यों हो गया था, मतलब कि इतना हिट सीरियल चल रहा था, क्योंकि बच्चों में ये सीरियल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, और आई थिंक आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये सीरियल डेफिनेटली देखा ही होगा, और हर बच्चे का एक सपना होता था कि उसके पास भी वैसी मैजिक पेंसिल हो जिससे कि वो कुछ भी ड्रॉ करे और वो सच बन जाए। लेकिन दोस्तों, फिर इस सीरियल को बंद क्यों होना पड़ा था, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि उस टाइम के अकॉर्डिंग 491 एपिसोड्स कोई कम नहीं होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा माने जाते थे, और उस टाइम पर कोई TRP का सिस्टम भी नहीं होता था। तो अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो टाइम ट्रैवल वाली स्टोरी थी वो इतनी खास नहीं थी, और यार टाइम ट्रैवल में जब वो 2022 में पहुंच चुका है, तो यार इसके बाद उनको कोई स्टोरी नहीं मिली कि जिस स्टोरी को वो एक्चुअली में इंसाफ दिला पाएं और बच्चों में दोबारा से पॉपुलैरिटी हासिल कर पाएं। तो इस तरह की कोई खास स्टोरी नहीं बची थी पूरी शाका लाका बुम बुम की जो भी स्टोरी थी उसके अंदर। तो आई थिंक ये रीज़न था कि जो भी डायरेक्टर के माइंड में था, राइटर के माइंड में स्टोरी थी, वो पूरी हो चुकी थी, अब उसको आगे कोई खींचने का कोई रीज़न नहीं था। जैसा कि आजकल होता है, अगर आजकल TRP आ रही होती है तो वो शो को खींचते रहते हैं, चाहे उसकी स्टोरी कब की कितने एपिसोड पहले ही पूरी हो चुकी हो, लेकिन वो आगे स्टोरी बनाते रहते हैं जब तक कि TRP आ रही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो पहले अगर उनकी स्टोरी पूरी हो चुकी है तो वो दूसरे सीरियल्स पर काम करते थे कि उनको भी मौका मिलना चाहिए, दूसरी स्टोरीज पर भी सीरियल बनने चाहिए, क्या पता वो इस सीरियल से भी ज़्यादा सुपरहिट हो जाए। लेकिन आजकल TRP का सिस्टम है तो लोगों को पता होता है कि इससे प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो जब तक प्रॉफिट आता रहता है, TRP अच्छी आ रही है, तो सीरियल चलता रहता है चाहे स्टोरी कैसी भी चल रही हो। तो गाइस, आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपका फेवरेट शो शाका लाका बुम बुम क्यों बंद हो गया था। लेकिन दोस्तों, उसके जो भी एपिसोड है वो काफ़ी मज़ेदार है, आप चाहे तो हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हो, आपको मोस्ट ऑफ द एपिसोड वहां पर मिल जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपके जो भी व्यूज हो इसके बारे में, इस सीरियल के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना कि आप देखते थे या नहीं देखते थे, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखनी है ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक भी अपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ बेल आइकन दोनों को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।